हूँ डॉक्टर अनु भारद्वाज और मेरे साथ है रोशन सिंह जो डायबिटीज है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बिना एक भी पैसा खर्चा किए आप अपने डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जो डायबिटीज के कारण बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा खाने से, बहुत ज्यादा आराम करने से, यानी कि दिन में भी सोते रहते हैं जो लोग, उनमें जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो लोग, या जो लोग दूध या दूध से बनी हुई चीजें की बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं वो लोग, उन लोगों को डायबिटीज होती है। तो इन सब कारणों को हटाने के बाद वो कौन सी एक चीज है जिसपे आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा और उसके बावजूद भी आप ठीक हो सकते हैं। हमारे अष्टांग हृदय में एक श्लोक में लिखा हुआ है कि अगर निर्धन को यानी गरीब व्यक्ति को परमेह हो गया है तो उसकी दवा क्या है? तो उसकी दवा ये है कि उसको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उसमें उस श्लोक में ये बताया गया है कि अगर निर्धन व्यक्ति को परमेह हो गया, डायबिटीज हो गई, तो वो कुआं खोदे, तालाब खोदे, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करे तो उसकी जो शुगर है, परमेह है, वो अपने आप से ठीक हो जाएगी। यानी कि उस समय में भी इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता था और उसी लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको ठीक किया जा सकता था। इसी तरह से जो लोग इंसुलिन पर हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो वो 2 यूनिट इंसुलिन के बराबर होती है। तो अगर आप अपने इंसुलिन को बंद करना चाहते हैं तो आज से ही या तो चलना शुरू कीजिए, या भागना शुरू कीजिए, या खेलना शुरू कीजिए। तो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि आप डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो लोग डीआईपी डाइट पे हैं, कुछ पेशेंट्स कैसे भी कंप्लेन आते हैं कि आप डाइट फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और आपका डायबिटीज़, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्वगुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।